हेलो, वेलकम टू एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये पार्ट नंबर 20 है और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे दिस पॉइंटर क्या होता है और वो भी एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज दिस पॉइंटर। तो देखिए, डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसमें लिखा है कि दिस पॉइंटर इज प्रीडिफाइंड पॉइंटर विच रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एंड करंट ऑब्जेक्ट इज दैट ऑब्जेक्ट बाई द मेम्बर फंक्शन ऑफ दैट क्लास इज इन्वोक्ड। सबसे पहले आप इस चीज को समझना होगा। तो देखिए, हमने सपोज एक क्लास डिफाइन की है ए बी सी के नाम से और इसके अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम है शो। तो ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है इस क्लास के अंदर, तो इसको कहेंगे हम मेम्बर फंक्शन, चाहे वो पब्लिक में है चाहे वो प्राइवेट में है। जब आप इसको कॉल करेंगे तो ये देखिए, इसका पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा और इस ऑब्जेक्ट से हमने इसको कॉल किया है शो वाले फंक्शन को, तो इसे कहते हैं करंट ऑब्जेक्ट। तो जिस ऑब्जेक्ट से आप कॉल कर रहे हैं इस शो फंक्शन को, जो कि इस क्लास का मेंबर फंक्शन है, तो उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं करंट ऑब्जेक्ट। आगे देखिए, विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर वी कैन एक्सेस द रेफरेंस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट इनसाइड द मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। इसका मीनिंग यह है कि अगर आप इस फंक्शन के अंदर, जो कि इस क्लास का मेंबर फंक्शन है, इसके अंदर अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को यूज करना है तो आप यहाँ पे ओबीजे नाम से नहीं कर सकते, उसको आप दिस नाम से कर सकते हो, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट से आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसका रेफरेंस दिस नाम के पॉइंटर में ऑटोमेटिक आ जाता है। और आगे देखिए लिखा है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन डोंट हैव दिस पॉइंटर। अगर आप इस फंक्शन को स्टैटिक बना देंगे तो उसके अंदर कोई दिस नाम का पॉइंटर नहीं होता। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में देखिए, हमने एक क्लास डिफाइन की ए बी सी और इस क्लास के अंदर हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए ए और बी, और दो ही इसके अंदर मेंबर फंक्शन है, सेट वैल्यू और डिस्प्ले। इस वाले फंक्शन के अंदर देखिए, मैं दो वेरिएबल लिए हैं और इनका नाम भी हमने ए और बी ही रखा है। तो ए और बी ये लोकल वेरिएबल हैं, इनका जो स्कोप है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। इन वेरिएबल्स को आप इस स्कोप के बाहर, इस ब्लॉक के बाहर यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये जो वेरिएबल हैं इन्हें बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब होता है कि आप जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस एबीसी क्लास के, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए इनकी लोकेशंस अलग अलग क्रिएट हो जाएगी और इन वेरिएबल्स को आप इस पूरी क्लास में यहाँ से यहाँ तक कहीं भी किसी भी मेंबर फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। अभी देखिए, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया मेन और मेन के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेमोरी में ये जो ए बी है ये इनकी जगह क्रिएट हो जाएगी। तो ये जो ए बी है, ये वाले ए बी है, ये ए बी ये वाले ए बी नहीं है, ये लोकल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल का ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता, राइट। अभी देखिए, इस ऑब्जेक्ट से हमने कॉल किया सेट वैल्यू फंक्शन। तो जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे सेट वैल्यू फंक्शन में, तो जो वैल्यू आपने दी यहाँ पे 10, 20, ये जाएगी ए में और बी में। इट मीन्स ये वैल्यू लोकल वेरिएबल्स के अंदर आके स्टोर हो जाएगी, ये वैल्यू इसके अंदर अभी नहीं गई। और इस वैल्यू को हमें डालना है, जो इसके अंदर आई वो इस वाले वेरिएबल के अंदर डालना है। तो ये जो वेरिएबल है ये हमारा ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, और ये भी ये लोकल है और ये भी हमारा ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है। तो आप समझ गए होंगे कि इन वैल्यूज को हमें इन वेरिएबल्स के अंदर डालनी है। तो हमने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू ए और b इज इक्वल टू बी। अब इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि ये जो a है ये इसी को रीड करेगा और ये वाला a भी इसी को रीड करेगा, ऐसे b को करेगा। तो हम चाहते हैं कि इस वाले a को हमें डालना है इस वाले a में। इट मीन्स हम चाहते हैं कि ये वाला जो a है ये इसको हैंडल करे। तो उसके लिए हम इसकी बजाय हम यहाँ लिखेंगे दिस डॉट ए, इसको आप डॉट बोल सकते हैं, हालांकि डॉट नहीं है, आपको बनानी पड़ेगी ये एरो, एक डैश लगा देना और एक ग्रेटर देन। तो दिस डॉट ए का मीनिंग हो गया कि ये जो वेरिएबल है ए, अब ये इसको कंसिडर करेगा। कैसे? देखिए, हम बता चुके हैं आपको प्रीवियस स्लाइड में कि जिस ऑब्जेक्ट से आप कॉल करते हैं किसी मेंबर फंक्शन को, तो उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो दिस नाम के पॉइंटर में ऑटोमेटिक आ जाता है। तो दिस जो है ये हमारा प्री डिफाइंड पॉइंटर होता है और इसके अंदर उसका रेफरेंस आएगा जिस ऑब्जेक्ट से आप इसे कॉल करेंगे। तो आप समझिए कि ओबीजे जो हमने डिफाइन किया है वो मेन फंक्शन के अंदर है, तो इस ऑब्जेक्ट को आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक यूज कर सकते हैं। इसको हम यहाँ तक यूज कर सकते हैं कि ओबीजे डॉट ए एरर दिखाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर आप इस मेंबर फंक्शन के अंदर, इट मीन्स आप इस क्लास के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो आप दिस नाम से कर सकते हैं। तो दिस डॉट ए का मतलब हो गया ये वाला ए, और जो हमने ये ए लिखा है ये लाएगा
इस वाले वेरिएबल को, तो इस वाले वेरिएबल जो वैल्यू यहाँ से पास की थी आपने वो जाएगी दिस डॉट ए की वजह से इस वाले ए में, इट मीन्स इस ऑब्जेक्ट के ए में। और जो बी की वैल्यू आपने यहाँ से पास की 20 वो जाएगी दिस डॉट बी की वजह से इस वाले बी में, इट मीन्स इस वाले बी के अंदर। तो आप समझ गए होंगे दिस का यूज क्या है यहाँ फिलहाल। और ये आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अगर हमें इस वाले वेरिएबल की वैल्यू को इसमें डालना है तो हम इसका नाम चेंज कर लेंगे, इसका नाम रखेंगे एक्स या वाई, कोई भी आप दूसरा नाम रख लेंगे, फिर हमें दिस की क्या नीड है, क्या जरूरत है। आप यहाँ लिखेंगे सिंपल ए इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू वाई, तो फिर दिस की क्या जरूरत है। तो ये बताएंगे आपको अभी दूसरे एग्जाम्पल के अंदर कि दिस का एक्चुअल में काम क्या है। फिलहाल तो मैंने आपको बताया है कि हाउ टू यूज दिस कीवर्ड या दिस पॉइंटर। तो उसके बाद देखिए ओबीजे डॉट डिस्प्ले से कॉल करेंगे आप यहाँ पे, तो प्रिंट करेगा ए प्लस बी। तो जो ए प्लस बी है ये वाले ए बी है, ये वाले ए बी नहीं है, क्योंकि इनका जो स्कोप है वो सिर्फ यहाँ तक है। और आप चाहे तो यहाँ पे दिस डॉट ए प्लस दिस डॉट बी लिख सकते हैं, पर जबकि यहाँ पे कोई नीड नहीं है दिस की, क्योंकि यहाँ पे कोई ए बी नाम का और कोई वेरिएबल नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि दिस का जो काम है वो यही है कि क्लास के अंदर रहते हुए अगर उस ऑब्जेक्ट को यूज करना है जिस ऑब्जेक्ट से कॉल करके अंदर आए हैं, तो आप दिस नाम से कर सकते हैं। और इसका जो असली जो यूज है वो आप इस वाले एग्जाम्पल में देखिए। यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक क्लास है टेस्ट और इसके अंदर एक वेरिएबल है सिर्फ एक एक्स, और इसके अंदर भी हमने सेट वैल्यू नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया है, और यहाँ पे हमने अलग नाम रखा है ए, और इस ए की वैल्यू को हमें डालनी है इस वाले एक्स में। तो हमने लिखा सिंपल एक्स इज इक्वल टू ए, हमें यहाँ पे दिस की जरूरत नहीं पड़ रही है। फिलहाल आप यहाँ तक समझ गए होंगे, इसके बारे में अभी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए आप मेन फंक्शन में क्या लिखा हमने। तो मेन फंक्शन में हमने टेस्ट क्लास का T1, T2 और T3 तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। तो मेमोरी में इस तरीके से बन जाएंगे, T1 का एक्स अलग बनेगा और T2 का एक्स अलग बनेगा, इसी तरीके T3 बनाया हमने पॉइंटर टाइप का है, इसका भी एक्स एक और बन जाएगा, राइट। अब यहाँ तक देखिए T1 डॉट सेट वैल्यू, अभी T1 से हमने सेट वैल्यू फंक्शन कॉल किया, तो जो वैल्यू हमने यहाँ पे पास की 100 ये जाएगी ए के अंदर, और ए के अंदर को ए की वैल्यू को डाल दिया हमने फिर से एक्स के अंदर, तो एक्स की वैल्यू हो गई हमारी 100। कौन से एक्स की, जो T1 का है, क्योंकि T1 से हमने कॉल किया। अब यहाँ पे देखिए T2 से कॉल किया सेट वैल्यू को, अभी जो एक्स है ये T2 का हैंडल करेगा। तो जिस ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं ये उसी ऑब्जेक्ट का वेरिएबल लेगा, तो इसके ऑब्जेक्ट के एक्स में वैल्यू आ जाएगी 20 जो आपने यहाँ से पास की है। और हमें एक्चुअली करना यह है कि जिस ऑब्जेक्ट के एक्स की वैल्यू ग्रेटर है उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मुझे T3 में लाना है। अगर T1 का एक्स की वैल्यू ग्रेटर है तो T3 माना चाहिए इसका रेफरेंस, क्योंकि ये पॉइंटर है, और अगर T2 का जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू ग्रेटर है तो आना चाहिए T3 के अंदर, राइट। तो जिस ऑब्जेक्ट की वैल्यू ग्रेटर है उसकी उसका जो रेफरेंस है हम T3 में चाहते हैं, तो इसलिए हमने इसको पॉइंटर टाइप का बनाया। तो यहाँ पे देखें ध्यान से T3 इज इक्वल टू T1 डॉट ग्रेटर, अब ये ग्रेटर वाले फंक्शन पे जाएगा यहाँ पे, और हमने यहाँ पे पास किया है T2 का एड्रेस, एंड का मतलब एड्रेस, तो ये एड्रेस जाएगा T2 का किसके अंदर, टेम के अंदर, इसलिए हमने पॉइंटर बनाया क्योंकि हमें इसके अंदर इसका एड्रेस लेना है, राइट। और यहाँ पे लिखा देखिए टेम डॉट एक्स, क्योंकि पॉइंटर है तो आप डॉट यूज नहीं कर सकते, एरो लगानी पड़ेगी आपको, लेकिन डॉट बोल सकते हैं इसको हम। तो टेम डॉट एक्स का मतलब हो गया कि इस टेम्प में किसका एड्रेस आया, T2 का, इसका मतलब ये T2 का एक्स हो गया, इसका मतलब T2 का एक्स हमारा है इस टाइम 20। तो क्या 20 ग्रेटर देन एक्स के, अब ये एक्स किसका है, ये एक्स है जिस ऑब्जेक्ट से आपने इसको कॉल किया, आपने कॉल किया T1 से, तो ये जो एक्स है ये हो गया T1 का एक्स, और T2 का एड्रेस गया टेम्प में, तो टेम्प का एक्स हो गया हमारा T2 का एक्स। तो क्या T2 के जो एक्स है वह है 20 और T1 का एक्स है वह है 100, क्या ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती तो रिटर्न टेम्प, तो टेम्प में जिसका एड्रेस गया था यहाँ से T2 का, वो वाला एड्रेस इसके अंदर आकर के यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, राइट। लेकिन कंडीशन तो हमारी फाल्स हो चुकी, क्योंकि टेम्प के जो एक्स है वो है T2 का एक्स, और उसकी वैल्यू है 20 और एक्स हमारा 100, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो फिर ये वैल्यू रिटर्न करेगा किसकी, रिटर्न दिस। अब दिस का मीनिंग क्या है, दिस का मीनिंग यह है कि जिस ऑब्जेक्ट से आपने इसको कॉल किया, हमने कॉल किया T1 से, तो दिस पॉइंटर में उसका एड्रेस अपने आप आ जाता है, तो दिस को रिटर्न करेगा, और दिस के अंदर एड्रेस था T1 का, तो इसलिए T3 के अंदर जो एड्रेस आएगा वो T3 का आएगा। अगर आप दिस यूज नहीं करेंगे तो फिर आप यहाँ पर रिटर्न T1 तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि T1 तो इसके अंदर डिफाइन है,
इसको हम यू टेबल को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे दिस को यूज किया है। तो टी थ्री के अंदर जो एड्रेस आएगा एक्चुअली वो आएगा टी वन का, क्योंकि टी वन से हमने इसे कॉल किया, तो टी वन हमारा करंट ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसका एड्रेस टी थ्री में जाएगा। और जब टी थ्री से आप कॉल करेंगे डिस्प्ले को तो आपको एरो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंटर है, और जब डिस्प्ले पर जाएगा तो प्रिंट करेगा एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे टी वन का जो एड्रेस आया था और टी वन की वैल्यू थी हमारी 100, तो प्रिंट करेगा 100, राइट। और यहाँ पे देख ग्रेटर फंक्शन से पहले हमने स्टार क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि हमें यहाँ पे पॉइंटर को रिटर्न करना है, राइट। तो ये था दिस पॉइंटर और उसका एग्जाम्पल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।